हे गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल एडवाइजर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, स्टार्टिंग विद डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। सो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें जो म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो प्रॉफिट म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बैक कर देता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जस्ट लाइक एक कंपनी डिविडेंड देती है अपने प्रॉफिट से। अब इसमें जो डिविडेंड पे आउट की फ्रीक्वेंसी होती है ये वेरी करती है फ्रॉम फंड टू फंड। जनरली पे बैक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एनुअली होती है, यानी साल में एक बार आपको डिविडेंड मिलता है इन फंड से। बट कुछ फंड्स में ये फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली, मंथली एंड डेली भी हो सकती है। कुछ डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में आपको मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस भी मिलते हैं, मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो अपना पे आउट चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए। जो मोस्ट कॉमन पे आउट ऑप्शन होता है आफ्टर कैश, दैट इज डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। इसमें आपको जो आपका डिविडेंड है वो कैश की फॉर्म में नहीं क्रेडिट होता है, बल्कि जो आपका डिविडेंड है वो दोबारा इसी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है एंड उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा यूनिट अलॉट हो जाती हैं। सो इन शॉर्ट, जो म्यूचुअल फंड्स अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को रिटर्न बैक कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, उन म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। नंबर वन, एज पर सेबी रेगुलेशंस, डिविडेंड्स आर टू बी पेड आउट फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द स्कीम। यानी कि म्यूचुअल फंड को जो प्रॉफिट होगा, डिविडेंड आपको उस प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, एंड अगर किसी साल म्यूचुअल फंड को लॉस होता है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। नंबर टू, देयर इज नो अश्योरेंस अबाउट डिविडेंड पे आउट रेट और टाइमिंग ऑफ द डिविडेंड पेमेंट्स। यानी कि म्यूचुअल फंड की कोई अश्योरेंस या गारंटी नहीं होती है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा एंड किस टाइम पे डिविडेंड मिलेगा। नंबर थ्री, योर फंड्स NAV विल डिक्रीज आफ्टर द पे आउट। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, डिविडेंड पे करने के बाद उस म्यूचुअल फंड का NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, डिक्रीज हो जाएगा। एंड नंबर फोर, डिविडेंड्स आर टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब। यानी कि जो आपका टैक्स स्लैब होगा, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके डिविडेंड्स पे टैक्स कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 10% टैक्स कटेगा, 15 में आते हैं तो 15% एंड सो ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। तो जिन म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट को इन्वेस्टर को पे बैक करने की जगह फंड में ही दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उन म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। अब बिकॉज ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में हम प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में ही, तो ग्रोथ म्यूचुअल फंड का NAV एंड रिटर्न्स जनरली ज्यादा होते हैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड से। एंड इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू डिविडेंड म्यूचुअल फंड, एंड ज्यादा अमाउंट पे हमारी कंपाउंडिंग वर्क करती है। सो इन शॉर्ट, जिन म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स को ना देके री इन्वेस्ट कर दिया जाए म्यूचुअल फंड में ही, उन म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। सो पॉइंट नंबर वन है, द अंडरलाइंग पोर्टफोलियो ऑफ बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ ऑप्शन ऑफ सेम फंड आर एग्जैक्टली द सेम। यानी कि जो हमारा अंडरलाइंग पोर्टफोलियो होगा, मतलब जिन कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड जिस वेटेज से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम होगा। पॉइंट नंबर टू है, प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन ग्रोथ ऑप्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रोथ म्यूचुअल फंड में जो हमारे प्रॉफिट होते हैं वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर ही। पॉइंट नंबर थ्री है, द NAV ऑफ ग्रोथ ऑप्शन विल ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ डिविडेंड ऑप्शन, एंड दैट्स बिकॉज ग्रोथ ऑप्शन में हम अपना पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वेयर एज डिविडेंड ऑप्शन में जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें पे आउट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। फोर्थ पॉइंट है, द टोटल returns ऑफ ग्रोथ ऑप्शन आर usually हायर देन डिविडेंड ऑप्शन ओवर sufficiently लॉन्ग इन्वेस्टमेंट horizon ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब बिकॉज ग्रोथ ऑप्शन में हमारा जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो ज्यादा पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग वर्क करती है, वेयर एज डिविडेंड ऑप्शन में जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें पे आउट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो कम पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग वर्क करती है। एंड यही रीजन है कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। एंड पॉइंट नंबर फाइव है, टैक्स डिडक्टेड इज LTG टैक्स और STG टैक्स। यानी कि जो हमारा टैक्स कटेगा वो या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को एक साल के बाद सेल करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा, दैट इज 10%। एंड अगर आप अपना म्यूचुअल फंड एक साल से पहले सेल कर देते हैं तो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा, दैट इज 15%। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स एंड ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको दोनों ही म्यूचुअल फंड समझ आ गए होंगे। फिर से बताऊं तो, जो म्यूचुअल फंड्स अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को
पे बैक कर देते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, उन म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स। वेयर एज जो म्यूचुअल फंड्स अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को पे बैक ना करके फंड में री इन्वेस्ट कर देते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की डिफरेंसेस बिटवीन डिविडेंड ऑप्शंस एंड ग्रोथ ऑप्शंस। सो डिफरेंस नंबर वन आता है, इन डिविडेंड ऑप्शंस प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स, वेयर एज इन ग्रोथ ऑप्शंस प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द स्कीम। सो जैसा कि मैंने बताया, डिविडेंड ऑप्शन में जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, वेयर एज ग्रोथ ऑप्शन में जो प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। डिफरेंस नंबर टू आता है, इन डिविडेंड ऑप्शन डिविडेंड्स पेड आर डिडक्टेड फ्रॉम द एनएवी, सो एक्स डिविडेंड एनएवी इज लोअर, वेयर एज इन ग्रोथ ऑप्शन एनएवी विल बी हायर बिकॉज प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड मे अर्न प्रॉफिट्स। सो बिकॉज डिविडेंड ऑप्शन में जो आपको डिविडेंड्स पे आउट होते हैं वो म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट से पे आउट होते हैं, तो जो आपका एनएवी होता है म्यूचुअल फंड का, दैट इज पर यूनिट की जो वैल्यू होती है वो डिविडेंड पे आउट के बाद कम हो जाती है। वेयर एज ग्रोथ ऑप्शन में बिकॉज हमारा प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो हमारा जो एनएवी होता है म्यूचुअल फंड का वो हायर होता है, बिकॉज जो हमने प्रॉफिट री इन्वेस्ट करा है वो फर्दर और प्रॉफिट कमाता है। थर्ड डिफरेंस है, इन डिविडेंड ऑप्शंस द टोटल रिटर्न्स विल बी लोअर कंपेयर्ड टू ग्रोथ ऑप्शन, वेयर एज इन केस ऑफ ग्रोथ ऑप्शंस टोटल रिटर्न्स विल यूजुअली बी हायर कंपेयर्ड टू डिविडेंड ऑप्शंस। सो बिकॉज डिविडेंड ऑप्शंस में जो प्रॉफिट होता है म्यूचुअल फंड को वो पे बैक कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है एंड कम पैसे पे कंपाउंडिंग वर्क करती है, वेयर एज ग्रोथ ऑप्शन में जो प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड में, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है एंड ज़्यादा पैसे पे कंपाउंडिंग वर्क करती है। सो जो रिटर्न्स होते हैं वो ग्रोथ ऑप्शन में यूजुअली ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डिविडेंड ऑप्शंस। नाउ द फोर्थ डिफरेंस इज, डिविडेंड ऑप्शंस आर टैक्स्ड एज पर द इनकम स्लैब रेट ऑफ द इन्वेस्टर, वेयर एज इन ग्रोथ ऑप्शन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाइज डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू रिडीम। सो जो हमारा डिविडेंड ऑप्शन होता है इसमें जो डिविडेंड पे आउट होता है उस पर जो टैक्स कटता है वो इन्वेस्टर के टैक्स स्लैब के हिसाब से कटता है। अगर इन्वेस्टर का टैक्स स्लैब 10% है तो डिविडेंड पे 10% टैक्स कटेगा, एंड अगर 15% है तो 15% टैक्स कटेगा। वेयर एज ग्रोथ ऑप्शन में जो टैक्स कटता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने एक साल से पहले सेल करा है या एक साल के बाद सेल करा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स एंड ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। दोनों में ही एक फंड मैनेजर आपका पैसा एक पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करेगा एक पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से, एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं कि आप सेम ही फंड के डिविडेंड ऑप्शन में चाहें तो डिविडेंड ऑप्शन में एंड ग्रोथ ऑप्शन में चाहें तो ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ऐसे केस में दोनों में ही आपका पैसा सेम कंपनियों में सेम वेटेज से इन्वेस्ट होगा। जो मेन डिफरेंस इन दोनों में है दैट इज पे आउट। डिविडेंड ऑप्शन में आपको पे आउट रिसीव होता है टाइम टू टाइम, वेयर एज ग्रोथ ऑप्शन में आपको पे आउट रिसीव नहीं होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट विच वन शुड यू चूज, सो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो चाहता है कि उसका प्रॉफिट उसे टाइम टू टाइम मिलता रहे, या आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे के थ्रू एक एक्स्ट्रा इनकम बना लें, सो आपको डिविडेंड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेयर एज अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है एंड उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रख के ग्रो करना है एंड एडिशनल इनकम की जरूरत नहीं है, तो आपको अपना पैसा ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी रीजन से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड एट लास्ट अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूं या मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।